आज का हमारा रिव्यू एस पार्कवे के बारे में है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर इस सोसाइटी का सबसे बड़ा एडवांटेज की बात करें तो ये शहीद भगत सिंह पार्क के बिल्कुल सामने है, जो कि एकड़ों पे फैला हुआ काफ़ी बड़ा पार्क है। साथ ही में फ्लैट्स जितने भी टावर्स में बने हुए हैं, अगर बात करें या तो शहीद भगत सिंह को फेस करते हैं, या तो रोड को फेस करते हैं, या तो इंटरनल पार्क एरिया को, या बैक्स दूसरी साइड में इको रोड है और वहीं पे एक साइड पे आपका कॉमन एमिनिटी जिसमें कि स्विमिंग पूल एक्सेट्रा बने हुए हैं। तो जिसका मतलब ये है कि जितने भी फ्लैट्स हैं उन सभी को एक काफ़ी अच्छा अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिल जाएगा। अदर देन दैट, अगर टावर्स के बीच के एरिया की बात करें तो वहाँ पर भी कॉमन एमिनिटीज़ ऑलरेडी बन गई हैं और काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और वहीं पे प्रोजेक्ट के एक साइड पे ग्रीन बेल्ट और वहीं पे स्विमिंग पूल भी बने हुए हैं। लोकेशन वाइज अगर बात करें तो सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन से ज़्यादा दूरी पे नहीं है और इवन सेक्टर 150 के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इसी को क्रॉस करने के बाद ही मिलते हैं। और हाँ, सेक्टर 150 के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए बाइंग ए प्रॉपर्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज़ कैसे करना है वो इस वीडियो के आखिर में बताया। चलिए अब इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा ज़्यादा जान लेते हैं। आज हम जानेंगे सेक्टर 150 में बन रहे एस ग्रुप के एस पार्कवे प्रोजेक्ट के बारे में। ये सोसाइटी एक कॉर्नर प्लॉट पे बनी हुई है जो कि थ्री साइड ओपन है, जिसमें फ्रंट की सड़क 45 मीटर, साइड की सड़क जो कि शहीद भगत सिंह पार्क को फेस करती है वो 30 मीटर और बैक की रोड 20 मीटर की है। एस पार्कवे सेक्टर 150 की एक प्राइम लोकेशन पे बन रहा है जो शहीद भगत सिंह पार्क के बिल्कुल सामने है और ये एक कॉर्नर का प्लॉट है। अगर मेट्रो स्टेशन की बात करें तो मेट्रो स्टेशन भी और नोएडा एक्सप्रेसवे की मेन रोड भी कुछ ही मिनटों की दूरी पे है। सोसाइटी के आसपास में काफी सारे प्रोमिनेंट अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जिसमें बिल्कुल सामने ही गोदरेज का पाम रिट्रीट प्रोजेक्ट है और कुछ ही नजदीक में समृद्धि लग्जरी एवेन्यू। अब हम एस पार्कवे को थोड़ी दूरी से देखते हैं जिससे हम आसपास के एरिया को जान सके। सोसाइटी के बिल्कुल सामने ही शहीद भगत सिंह पार्क है जो कि एकड़ पे फैला हुआ है। इस पार्क से रेजिडेंट्स को काफी फायदा होगा। इस एरिया में ग्रीनरी और साथ में पोल्यूशन कम करने में पार्क मदद तो करेगा ही, पर इसके अलावा भी जो रेजिडेंट्स है उनको भी एक दूसरी जगह मिल जाएगी जहाँ पे मेरी अपनी फैमिली और बच्चों के साथ घूम सकते हैं या जॉगिंग और वॉक के लिए भी ये एक अच्छी जगह हो जाएगी। शहीद भगत सिंह पार्क में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और साथ में लगून भी है जो कि इस पार्क को एक काफी अच्छा एडेड एडवांटेज दे देता है। अगर सोसाइटी की स्पेसिफिकली बात करें तो ये थ्री साइड ओपन प्लॉट है जो कि 11.3 एकड़ पे है, जिसमें 11 टावर्स हैं। इन 11 टावर्स में 970 यूनिट्स है और प्रोजेक्ट फेज वाइज डिलीवर हो रहा है, जिसमें स्टार्टिंग फेज का पोजीशन 2022 से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन माई वन टेक्नोलॉजी से की जा रही है जो कि ड्यूरेबिलिटी और इवन फिनिश के हिसाब से भी काफी अच्छी मानी जाती है। सोसाइटी में 2, 3 और 4 BHK के कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल हैं। सोसाइटी के टावर्स की हाइट बात करें तो वो वेरी करती है, जिसमें टावर 1, 2 और 3 ग्राउंड प्लस 25 स्टोरीज के, टावर 4, 5, 6 ग्राउंड प्लस 21 स्टोरीज के, और वहीं पे टावर 7 और 8 ग्राउंड प्लस 21 स्टोरीज के हैं, और टावर 9, 10, 11 ग्राउंड प्लस 21 स्टोरीज के हैं। सोसाइटी में 2 बेसमेंट लेवल की पार्किंग भी है। सोसाइटी में तकरीबन 4 एकड़ पे सेंट्रल पार्क और साथ में वाटर फीचर बनाया गया है और वहीं पे तकरीबन 3 एकड़ के एरिया पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी बनाई गई है। ओवरऑल सोसाइटी में तकरीबन 50 से ऊपर स्पोर्ट्स एमिनिटीज अवेलेबल हैं। सोसाइटी में काफी सारी एमिनिटीज अवेलेबल है, जिसमें सभी टावर्स के बीच में जो सेंट्रल लॉन है उसमें पार्क के अलावा भी वाटर फीचर और वाटर बॉडीज बनाई गई है जो की काफी अच्छा और एलिगेंट लुक देती है। सोसाइटी में एम्पी थिएटर, गेट्स और अडल्ट पूल, साथ ही में क्लब, फिटनेस एरिया, मेडिटेशन, योगा गार्डन, बास्केटबॉल कोर्ट, हैंडबॉल, वॉलीबॉल कोर्ट, स्केटिंग रिंग, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट पिच, टेनिस कोर्ट, मंदिर, हॉपस्कॉच, वॉल क्लाइंबिंग, आउटडोर जिम, सॉकर ग्राउंड और ट्रैम्पोलिन जैसी काफी सारी एमिनिटीज ऑलरेडी अवेलेबल कराई जा रही हैं। अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करें तो सेक्टर 150 की प्राइम लोकेशन में वो भी एस ग्रुप का ये काफी प्रीमियम प्रोजेक्ट बनता जा रहा है जो कि कंस्ट्रक्शन और एमिनिटी वाइज भी फुली लोडेड है। प्राइस वाइज भी बात करें तो इस एरिया के प्राइस के मुकाबले में रीजनेबल है और इन सब चीजों को कंसिडर किया जाए तो लेने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब
आप बाइंड प्रॉपर्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके नोएडा ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद गुड़गांव के 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स घर बैठे ही खरीद सकते डायरेक्टली बिल्डर से, वो भी केवल चार कदम में। पहला, एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर में फिल्टर पे क्लिक करने पे अपना मनपसंद एरिया सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई फिल्टर पे करके सारे प्रोजेक्ट देख सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के वीडियो आइकन पे क्लिक करने पे उस प्रोजेक्ट के सारे वीडियोस देख सकते हैं। प्रोजेक्ट के लेआउट और कीमत की जानकारी मिल जाती है। तीसरा, ऑफर्स में स्पेशल डील्स और डिस्काउंट्स के बारे में पता चलता है। और चौथे, कॉन्टैक्ट बटन पे क्लिक करने से डायरेक्टली बाइंग या प्रॉपर्टी या बिल्डर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।